सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के बाटा चौक पर। यहाँ पर एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो अलविदा जुमा था उसका क्या कुछ कंसेप्ट है इस्लाम में और कैसे इसे जाना जाता है। सबसे पहले तो सर, आप लोगों का हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम में जो अलविदा जुमा का कंसेप्ट है वो कहाँ से और कैसे। देखिए, असल में ये रमज़ान का जो महीना है ये बहुत ही पाक और पवित्र महीना है, और इस महीने का पैगाम ये है कि इंसानियत के दरमियान मोहब्बत को जो है पैदा करना, ये इंसानियत की दावत देता है। और ये अलविदाई जुमा है, इसमें सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों ने मिलकर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक से जो है जुमा की नमाज़ अदा की है। चूँकि ये जुमा का आखिरी, रमज़ान का जो है ये आखिरी जुमा होता है, इसलिए इसको अलविदाई जुमा कहते हैं। और मुसलमान जो है इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं और करना भी चाहिए, चूँकि फिर पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये रमज़ान का महीना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो अलविदाई जुमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एहतमाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि सारी जगहों पे मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है और बहुत अमन और शांति के साथ जो है माहौल बना के जुमा की नमाज़ अलविदाई जुमा अदा की है। अच्छा, जो जुमा होता है जैसे रमज़ान के महीने में, मान लीजिए चार जुमा गुजरे, तीन जुमा और पहले गुजरे, क्या उन जुमा में और आज के जुमा में कोई ख़ास फ़र्क भी है? नहीं, ख़ास फ़र्क नहीं है, बस यही है कि चूँकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा होता है तो इसीलिए इसका एहतमाम ज़्यादा किया जाता है। वरना जो तीन या चार जुमा गुजर गए हैं उन जुमों में भी वही आमाल हैं जो इस जुमे में आमाल होते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान का आखिरी जुमा होता है और ये उम्मीद किसी को नहीं है कि आइंदा हमें रमज़ान मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो ये अलविदाई जुमा मिलेगा या नहीं, इसीलिए इसका ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। अरे, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो है हमारे, वो अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ईद होता है वो क्यों मनाते हैं मुसलमान। जैसे रमज़ान में रोज़ा रखा, उसका कुछ कंसेप्ट है, फिर ईद मनाने का क्या कंसेप्ट है? देखिए, ईद तो हर धर्म के अंदर है। कुछ दिन जो है हर धर्म के अंदर ऐसे हैं कि जिन दिनों में जो है खुशी मनाया जाता है, तो इसी तरह हमारे मजहब इस्लाम के अंदर भी ये ईद का दिन है। जो रमज़ान जो हमने गुजारा है, रोज़ा रखा है, तरावी हमने पढ़ा है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, तो उसके शुक्राने में अल्लाह ने हमें ईद दिया है। ये खुशी का दिन है, ये खुशी मनाने का दिन होता है शुक्राने में, रमज़ान के शुक्राने में। जैसे मतलब 30 रोज़ा रखते हैं, उसके बाद क्योंकि भूखे प्यासे रहते हैं तो एक जश्न के तौर पर हम लोग ईद मनाते हैं। अच्छा, ज़कात और फितरे को लेकर के बातें होती है ईद में, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए, ज़कात तो साहिब निसाब के ऊपर है, उसके लिए तो मान लीजिए कि तफसील और सारी चीज़ें जो है, जो तफसीलात है, जो डिटेल्स है, वो शरीयत के अंदर है। तो इतना हम और आप समझे कि जो साहिब निसाब होता है उसके ऊपर ये ज़कात है, ठीक है, और ये जो है गरीबों को दिया जाता है, तो इससे जो है जो गुरबत और जहालत हमारी कौम में है उसे दूर किया जाता है। और ये सिर्फ साहिब निसाब जो होते हैं, जो मालदार होते हैं, उनके ऊपर ये ज़कात दिया है, और सिर्फ ये 2.5% है, 100 रुपये में 2.5 रुपया आपको निकालना है, बहुत सहूलत है, इसीलिए निकाला जाता है। और फितरा जो होता है ये हर एक की तरफ से है, बाल बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हो, औरत हो, सभी की तरफ से अगर हम फितरा अदा नहीं करते हैं ईद से पहले तो हमारा रोज़ा जो है कबूल नहीं होता है, तो उसके लिए जो है हम फितरा अदा करते हैं, वो भी गरीबों को ही दिया जाता है। कितना अदा करना होता है? उसके अंदर 1.25 किलो है। अब उसका रेट हर जगह के हिसाब से जो है 50 रुपये, 30 रुपये, जो हर जगह का, लेकिन उसका जो मेयार है वो 1.25 किलो गेहूं है। गेहूं से अगर हम निकालते हैं तो 1.25 किलो गेहूं होते हैं, 50 रुपये आप दे दीजिए या गेहूं दे दीजिए। लेकिन पूरे खुलासा ये है कि हमारी ईद के अंदर गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, ये इसका पूरा ये निचोड़ है। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? अभी जो आज अलविदा की नमाज पढ़ी गई है, जुमे की नमाज, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अलविदा की नमाज जो जुमे की आखिरी नमाज है जी। अब लोगों का कंसेप्ट ये है कि अब अगले साल हम जिंदा रहेंगे या हम मर जाएंगे, इसलिए आज के दिन का बहुत ही जो है वो अहमियत है। लोग बहुत ही एहतमाम के साथ, खुशी के साथ आते हैं,
भगवान से दुआ प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई हुई जो भी गुनाह हुआ उसको भगवान तो माफ कर दीजिए। अच्छा, अभी कुछ दिन के बाद ईद मनाया जाएगा, तो ईद में क्या कुछ करते हैं मुसलमान? बस कुछ नहीं, ईद में बस यही है कि ईद की पर्टिकुलर कुछ नमाज ऐसी खास नमाज है जो जिसको शुक्राने की नमाज करते हैं कि हमने भगवान का अल्लाह के हुक्म का पालन किया है, अब उसके बदले में जो पूरा कर लिया है तो उसका शुक्र हम अदा करें, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया। हमारे साथ कमिश्नर साहब भी है यहाँ पर और हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत, हिंदुस्तान मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन को लेकर के आप देखिए, आपका जो सवाल था इमाम साहब से कि अलविदा माने कि क्यों इस जुमा को अलविदा से क्यों जोड़ा जाता है, दरअसल हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज़ हमसे जुदा होती है, कोई भी चीज़ हो आम व ख़ास अगर, तो हम लोग आम भाषा में उसको कहते हैं कि हमसे अलविदा हो रहा है। तो चूँकि ये बहुत मुबारक महीना है रमज़ान का, अल्लाह ने हमको 30 रोज़ा रखने का हुक्म दिया और हम लोग बहुत एहतियात और हुक्म अल्लाह के हुक्म को बजाते हैं रखते हैं, और इस रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा, चूँकि रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है तो जुमा भी हमसे जुदा हो रहा है, क्योंकि रमज़ान के महीने की फजीलियत ही और कुछ और होती है। इसमें ख़ास फजीलियत होता है, अल्लाह का रहम होता है, अल्लाह कहते हैं कि हम शैतान को बंद कर देते हैं एक महीना के लिए कि कोई गुनाह ना करे मेरा बंदा, जो इतनी इबादत मेरी करनी है कर लो, जो हमसे मांगना मांग लो। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो ये रमज़ान के महीने में चूँकि आखिरी जुमा हमसे जुदा हो रहा है, इसलिए इसको हम अलविदा के तौर पर अपने से अलग होते हुए देख रहे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि अलविदा मेरा जुमा अलविदा है, बस ये। अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे जो नौजवान हैं आजकल के, वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि जुमा मुबारक हो, अलविदा जुमा मुबारक हो, क्या ये सही होता है? देखिए, जुमा मुबारक व्हाट्सएप से या फेसबुक के ज़रिए से जो भेजा जाता है वो आपस के अंदर भेजा जाता है, लेकिन सिर्फ जुमा मुबारक कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जुमा का हक अदा करना होगा। हमने किसी को जुमा की मुबारकबाद दे दी, ठीक है आपने दिया है, यह आपका हक है, दोस्ती यारी में है, एक मुसलमान है, लेकिन उससे जुमा का हक अदा नहीं होता है। जुमा का हक तो यह है कि हम अल्लाह के अहकाम को पूरा करें, तभी यह हक अदा होगा, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे साथ अभी यहाँ पर मोहम्मद एहतशाम जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि पिछले दो सालों से कोरोना का काल रहा है, ऐसे में मस्जिदों में भीड़ नहीं थी, अलविदा के जुमे में भी कोई तादाद नहीं थे इंसानों के, लेकिन आज जिस तरह से भीड़ थी, सड़क पर भी लोगों ने नमाज पढ़ी है, सड़कों तक भीड़ थी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का आभार, मीडिया वालों का, जो इसको दिखाया जा रहा है। सड़कों पे जो नमाज अदा करने की जहाँ तक बात है, तो ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सदियों से चला आ रहा, और ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। जब भी सड़कों पे नमाज रही है तो गैर मुस्लिमों ने बड़ा अच्छा यहाँ पर उसको एक उदाहरण पेश किया है कि लोगों ने रास्ता रोक भी दिया तो उन लोगों ने कभी उसको मुखालफत नहीं की, उन लोगों ने रास्ता बदल लिया और खुद ही खड़े हो गए, थोड़ा इंतज़ार कर जाते हैं या गाड़ी लगा देते हैं तो उसकी मुखालफत नहीं करते हैं वो लोग, और सिर्फ किनारे से चले जाते हैं और काफ़ी एहतमाम करते हैं उन चीज़ों का। और यहाँ दो साल से कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी नमाज, इस साल अल्लाह का शुक्र है कि कोविड नहीं और यहाँ नमाज का इंतज़ाम किया गया, इंतज़ामिया लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके बेहतर इंतज़ाम किया, इस कड़ी धूप में भी लोगों ने दूर दूर से आकर के यहाँ नमाज अदा की है, अल्लाह का शुक्र है। कितने देर तक के लिए सड़क फिर भी जाम होता है? आधा पौना घंटा तो मिनिमम लग ही जाता है, और बहुत कोऑपरेट करते हैं लोग इसमें, आसपास के लोग भी इसमें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे चुकी झोपड़ी में महादलित लोग रहते हैं, वो लोग बांस वास लगा देते हैं, आगे भी रोड पे चौराहा है वहाँ से भी लोग दुकानदार हैं, दोनों का साथ रहता जी बिल्कुल, हमेशा दोनों लोग जो मिलकर बहुत अच्छा कैलकुलेशन रहा है। जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इस तरह से लोग साथ देते हैं जी, उसी तरह देश में कई सारे मामलात आते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा अजान को लेकर के बातें चल रही है, कभी हनुमान चालीसा को लेकर के बात चल रही है, ये जो नफरतें फैलाई जा रही है, और इधर आप मोहब्बत की बात बता रहे हैं जी, ये चंद लोग हैं ऐसे जो मुल्क को गुमराह करने पर लगे हुए हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सियासत की मामला रहता है चंद दिनों का और वो उसको काफ़ी तूल देते हैं, मगर उनकी बात ये चलती नहीं, ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए या यूपी में देख लीजिए, ठीक है हम स्वागत करते हैं यूपी गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने लाउड स्पीकर पर अगर बैंड तो नहीं लगाया मगर उन्होंने आवाज़ कम करने की बात कही, ठीक है उसे अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग इतना आवाज़ रखें, मंदिर हो या मस्जिद दोनों का उन्होंने किया, ऐसा नहीं किसी मस्जिदों से ही इसको हटाया गया है, मंदिरों से भी साउंड कम करने की उन्होंने गुजारिश की और उसका लोग वहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। दो साल से रमज़ान कहीं ना कहीं फीका नज़र आ रहा था क्योंकि कोविड 19 का वक्त था,
और ऐसे में इस साल का रमज़ान कहीं ना कहीं कोरोना काल से दूर रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कवर करने आए हैं, और कामरान सिद्दीकी साहब, कामरान साहब और हिंदुस्तान मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमज़ान के मुतल्लिक आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। रहे रमज़ान की बात, तो दो साल कोविड के बाद आज महसूस हो रहा है हम लोगों को, खुशी का बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि रमज़ान ओपन तरीक़ा से लोग मना रहे हैं और हर उल्लास के साथ मना रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ है कि अब कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले, देश दुनिया इस खुशहाली के साथ आगे बढ़े, अमन अमान के साथ आगे बढ़े और हर त्यौहार में इसी तरह का एक जोश खरोश है। बहुत प्यारे हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा काना अव्वलु लैलिन मिन रमज़ान सुफ्फित अश्शयातीन व कुल्लिमत अब्वाबुन नार व फुतिहत अब्वाबुल जन्ना। बड़ी लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस रमज़ान के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, अभी दिन भी नहीं आया, रात पहले आती है। इस्लामी तारीख में रात पहले आएगी, चांद अगर निकल गया तो इस्लामी तारीख शुरू दिन बाद में आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रमज़ान की पहली तारीख होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहला हुक्म यह होता है कि सुख की दर शयातीन, शयातीन को कैद कर दो, शयातीन को कैद कर दो। शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, बल्कि ये कह लीजिए कि अल्लाह ताला से शैतान ने हमें आराम को यानी बंदों को बहकाने का ठेका दिया हुआ है। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।